माने पिछले दिन हम पढ़े थे भिन्नों साधारण भिन्नों का गुणा, आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्नों का भाग। उदाहरण एक, उदाहरण दो, उदाहरण तीन और भिन्नात्मक संख्याओं के भाग की विशेषताएं, ये तीन नियम हैं। इसको भी अपनी कॉपी में उतारना है, उतार के याद करना। चार नियम है, उदाहरण फिर उदाहरण एक हल करना है कॉपी में। अब सवाल देखिए, भागफल बताइए। एक बटे पांच भागी पांच, एक बटे पांच भागी पांच। अब इस सवाल को हमने उतारा, अब इसको ये पूर्णांक संख्या इसको भी हम भिन्न बनाएंगे। एक बटे पांच भागी पांच बटा एक, किसी भी पूर्णांक को भिन्न बनाते समय हम उसके नीचे बटे एक लगा देते हैं। अब भाग को हम कैसे हल करते हैं देखिए, फिर एक बटे पांच भाग की जगह हम गुणे का निशान कर देंगे और पीछे वाली भिन्न को पलट देंगे। ऊपर वाली गिनती ऊपर, नीचे वाली गिनती ऊपर और ऊपर वाली गिनती नीचे। अब हम गुणा भाग से गुणा में आ गए, अब इसको हम गुणा कर लेंगे। एक एक कम एक और पचहम पच्चीस, इसका आंसर आया एक बटे पच्चीस। इसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए, दूसरे का एक सवाल देखिए, बारह भागे एक बटा तीन। दूसरे सवाल का क्या देखिए, दूसरे सवाल का ये पहले सवाल का ये दूसरे सवाल का बारह भागे एक बटा तीन, बारह भागे एक बटा तीन। अब इसको भी हम भिन्न बनाएंगे, बारह बटे एक भागे एक बटा तीन, फिर बारह बटे एक इसकी घर वाली भिन्न को बाई तरफ वाली भिन्न को हम कुछ नहीं परिवर्तन करेंगे। अब इसको गुणा करके दाहिने तरफ वाली भिन्न को नीचे वाली गिनती ऊपर, ऊपर वाली गिनती नीचे। अब हो गया बारह बटे एक गुणे तीन बटे एक, उत्तर हो गया बातिया छत्तीस। छत्तीस बटा एक बराबर इसका आंसर छत्तीस आया। इसी तरीके से हम भाग पूरा दस तक हल करेंगे। अब अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे छह दशमलव भिन्न, इसकी रीडिंग लगाए रहिएगा और इसको हम कल पढ़ेंगे दशमलव का भिन्न। कोई समस्या हो, कोई सवाल न समझ में आता हो तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं।